हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए माय फेवरेट स्किन केयर रूटीन वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे काफ़ी दिन से करना था। मैं सोची आज मैं कर ही दूँ। आज संडे है और फ्री टाइम भी है, तो मैं सबसे पहले नहाने के बाद अपने फेस पे क्या लगाती हूँ, तो मैं विटामिन सी फेस सीरम 7 डेज़ लगा। ये सीरम बहुत अच्छा होता है, अगर जिसके फेस पे पिंपल्स है, डार्क पोर्स है, एक्निक है, उसे ये ईजिली हटाता है, बट रिजल्ट ज़रूर आता है। एंड इसका अप्लीकेटर काफ़ी अच्छा है और ईजिली फेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इसे लगाने के बाद फेस पे ड्रॉप डालने के बाद अच्छे से मिलाना है, रफली नहीं यूज़ करना है, स्मूथली। एंड फेस पे थोड़ा मसाज देना है। इसके बाद मैं सेकेंड स्टेप क्या लगाई हूँ अपने फेस पे, CU9 फेयरनेस क्रीम, विटामिन ई है इसमें एंड यूथफुल ग्रो, रिमूव पिगमेंटेशन, इफेक्टिव ब्राइटनेस, हमारे चेहरा को बहुत ब्राइटनेस शाइन करेगा। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है एंड पैराबेन फ्री है, वेगा प्रोडक्ट है एंड सल्फेट फ्री है। और इसका नेट क्वांटिटी है 100 ग्राम। एंड इसे मैं सनस्क्रीन की तरह हैंड पे अप्लाई करके लगाती हूँ 3 ड्रॉप में, और ये ईजली फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है और वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता है। और ये काफ़ी मुझे भी फ़ायदा कर रहा है, मैं कुछ टाइम से लगा रही हूँ, मुझे बेनिफिट अच्छा लगा है मेरे फेस पे। इसके बाद मैं थर्ड स्टेप क्या फॉलो की हूँ, लिप बाम, गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिप बाम, क्योंकि हमारे लिप का भी केयर करना ज़रूरी है, हमारा लिप मॉइस्चराइज रहेगा एंड शाइन रहेगा, चमकेगा। उसके बाद मतलब मैं लास्ट में लगाई हूँ लैक्मे का सनस्क्रीन, जो अल्टरमेट लोशन है एंड वाइट कास्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, SPF 50। सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ज़रूर से ज़रूर लगाइए, अगर बाहर जा रहे हैं और या घर में तब भी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे कि मैं अपना हेयर वॉश की हूँ, उसके लिए मैं कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ, लिवॉन का। और मेरा हेयर काफ़ी रफली हो चुका है और बहुत ज़्यादा ड्राई एंड काफ़ी ज़्यादा टूटता भी है, तो ये सीरम तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बहुत इसका मतलब एप्लीकेटर एंड सीरम बहुत स्मूथ है, हाथ में लगाने के बाद लगता है फिसल रहा है और बहुत अच्छा लगता है ये हेयर पे लगाने के बाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं सबका लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और जो लोग मेरे चैनल को नए सब्सक्राइब किए, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। बाय माय यूट्यूब फैमिली।